नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन सेंटर के लिए। और भी इन्फॉर्मेशन के लिए सर्च करें www.informationcenter.co.in। मिर्गी के लक्षण, कारण व उपचार, एक्यूप्रेशर एवं अन्य घरेलू उपाय। मिर्गी ज़्यादातर युवाओं में देखी जाती है। यह एक तरह का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इसमें मरीज को झटके से महसूस होते हैं, वह जमीन पर गिर जाता है, दांत भिंच जाते हैं और वह कुछ देर के लिए बेहोश हो जाता है। एक दिन के बच्चे से लेकर 100 साल के बुजुर्ग तक को मिर्गी हो सकती है। आइए जानते हैं किन परिस्थितियों में पड़ता है मिर्गी का दौरा। कम नींद लेना, बेहद तनाव, हॉर्मोन्स में बदलाव, ज़्यादा शराब पीना, ब्लड शुगर का गिर जाना, ब्लड प्रेशर का कम हो जाना, बेहद तेज रोशनी में आना। मिर्गी के लक्षण, बात करते हुए दिमाग ब्लैंक हो जाना, मांसपेशियों शरीर का अचानक फड़कना, तेज रोशनी से आँखों में परेशानी होना, अचानक बेहोश हो जाना, अचानक से मांसपेशियों पर नियंत्रण खो देना, आँखों के आगे अंधेरा छाना, दांत भिंच जाना, मुंह से झाग आना, अचानक गिर जाना, आंखों की पुतलियों ऊपर की तरफ खींचना, हाथ तथा पैर का लगातार चलना या झटके से लगना, होंठ या जीभ काट लेना। मिर्गी के प्रमुख कारण, सिर पर चोट लगना, दिमागी बुखार आना, दिमाग में कीड़े की गांठ बनना, ब्रेन ट्यूमर व ब्रेन स्ट्रोक होना, शराब या नशीली दवाइयों का ज़्यादा इस्तेमाल करना। दौरा पड़ने पर इन बातों का रखें ध्यान। दौरा पड़ने पर रोगी को सुरक्षित जगह पर एक करवट लिटा दें, कपड़े ढीले करें, खुली हवा में रखें और आसपास भीड़ ना लगाएं। सिर के नीचे मुलायम कपड़ा रखें। दौरे के समय रोगी के मुंह से कुछ ना डालें। मिर्गी में दौरों के लिए एक्यूप्रेशर चिकित्सा, इसमें 3 पॉइंट्स मुख्य होते हैं। फर्स्ट पॉइंट, छोटी फिंगर और रिंग फिंगर के बीच की लाइन में दोनों हाथों की रिस्ट में ये पॉइंट होता है। सेकेंड पॉइंट, हमारे दोनों पैरों में ये पॉइंट होता है। मिर्गी के साथ साथ ये कमर दर्द में बहुत लाभ करता है। थर्ड पॉइंट, यह पॉइंट नाक के नीचे और ऊपर के होंठ के बीच होता है। अन्य घरेलू उपचार, तुलसी के पत्तों को पीसकर शरीर पर मलने से मिर्गी के रोगी को लाभ होता है। तुलसी की पत्तियों के साथ कपूर सुंघाने से मिर्गी के रोगी को होश आ जाता है। रोजाना तुलसी के 20 पत्ते चबाकर खाने से रोग की गंभीरता में गिरावट देखी जाती है। मिर्गी की बीमारी में एक नींबू पर थोड़ा सा हींग का पाउडर छिड़ककर इसे चूसें। नींबू में हींग पाउडर या गोरख मुंडी मिलाकर रोजाना चूसने से कुछ ही दिनों में मिर्गी के दौरे आने बंद हो जाएंगे। अंगूर का रस प्रातःकाल खाली पेट लेने से लाभ होता है। सेब का जूस पीने से भी लाभ होता है। अप्सम साल्ट, मैग्नीशियम सल्फेट मिश्रित पानी से रोगी को स्नान करना चाहिए। गीली मिट्टी को रोगी के पूरे शरीर पर लगाना अत्यंत लाभकारी उपचार है। मिर्गी रोगी को 250 ग्राम बकरी के दूध में 50 ग्राम मेहंदी के पत्तों का रस मिलाकर 2 सप्ताह तक सुबह के समय पीने से लाभ होता है। गाय के दूध से बनाया हुआ मक्खन मिर्गी में फायदा पहुंचाता है। राई पीसकर चूर्ण बना लें। जब रोगी को दौरा पड़े तो सुंघा दें, बेहोशी दूर हो जाती है। पर्याप्त नींद, कच्ची सब्जियों से परहेज आदि मिर्गी से बचने के उपाय हैं। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर जरूर बताएं। और जो भी लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। और भी इन्फॉर्मेशन के लिए सर्च करें www.informationcenter.co.in। धन्यवाद।